तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रीडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। इस वीडियो में हम लोग रीडक्स सागा को थोड़ा टेस्ट करेंगे। जब कभी भी हम लोग को एसिंक्रोनस एक्शंस बनाने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास रीडक्स थंक ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास रीडक्स टूलकिट में क्रिएट एसिंक थंक ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, दैट इज रीडक्स सागा। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा रीडक्स सागा को टेस्ट करने वाले। ऑलराइट, तो मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। हमारे स्टेट में इनिशियली है रमेश एंड H20। एंड अगर मैं अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है एंड उसकी वैल्यू हो जा रही है सुरेश। एकदम यू नो बेसिक प्रोजेक्ट है, ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है इसके पहले वीडियोस में। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो सारे देखे होंगे। ऑलराइट, ओके। सो मैं एक बार क्विकली इसके लिए कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास ऐप डॉट जेएस। इसमें मैंने इम्पोर्ट किया प्रोफाइल कंपोनेंट एंड देन इस प्रोफाइल में मैंने ए नेम और एज एक्सेस किया है स्टेट से एंड देन वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। एंड मैंने यूज डिस्पैच हुक इम्पोर्ट किया एंड उसको इनिशलाइज किया एंड बटन क्लिक पे मैं डिस्पैच कर रहा हूँ ये एक्शन, जिसमें है टाइप अपडेट नेम एंड पेलोड है सुरेश। एंड ये एक्शन जा रहा है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में टाइप मैच हो रहा है एक्शन का, तो टाइप मैच होता है तो हमारा स्टेट अपडेट हो जाता है जो भी एक्शन के डॉट पेलोड में है। ऑलराइट, इनिशियली ये है स्टेट एंड देन फाइनली हम लोगों ने इस इंडेक्स डॉट जेएस में स्टोर को प्रोवाइड किया रिड्यूसर एंड हम लोगों ने प्रोवाइडर यूज किया स्टोर, ताकि हमारा ऐप कंपोनेंट यूज कर सके। ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो स्टोर को यूज कर सके। सो उसके लिए हम लोगों ने प्रोवाइड ऐप को प्रोवाइडर से रैप किया। ऑलराइट, सिंपल कोड है, इसमें कुछ भी यू नो डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, ओके। सो अब हम लोग इसमें रिडक्स सागा ऐड करेंगे, इस प्रोजेक्ट में रिडक्स सागा ऐड करेंगे। सो सबसे पहले मैं टर्मिनल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करेंगे। सो हम लोग को ये लाइन कॉपी करनी है। इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंटर। ऑलराइट, तो उसके बाद हम लोग को ओके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन के लिए इन लोगों ने गाइड दी थी कहीं पे, तो हाँ ये रहा। ओके, सो यू सी ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा ये लाइन, सो कंट्रोल सी। तो हम लोग रिडक्स टूलकिट में ऐड करेंगे रिडक्स सागा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ये कोर रिडक्स के लिए है। हम लोग रिडक्स टूलकिट में ऐड करेंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। सो हम लोग आएंगे इसमें एंड देन इस इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे। सबसे पहले तो ये लाइन हम लोग को इम्पोर्ट करनी है क्रिएट सागा से। हम लोग रिडक्स सागा से क्रिएट सागा मिडलवेयर इम्पोर्ट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम लोग को इसको इनिशलाइज करना है ऐसे। सो इसको भी अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम लोग को इसको स्टोर में यूज करना है। ऑलराइट, सो हम लोगों ने कन्फिगर स्टोर यूज किया हुआ है, ये ऐसे इस तरीके से स्टोर नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। वो ये है कि हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे एक मिडलवेयर ऑप्शन हम लोग को देना। मिडलवेयर हम लोग एक प्रॉपर्टी डाल सकते हैं एंड ये होता है एरे, एंड इस एरे के अंदर हम लोग को जो जो मिडलवेयर हम लोग को यूज करना है वो पास कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जो भी डिफॉल्ट मिडलवेयर हम लोग को प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि रिडक्स थंक एंड डेव टूल्स के लिए जो भी मिडलवेयर प्रोवाइडेड होता है वो हम लोग को यूज करना है। तो मेरे को जो डिफॉल्ट मिडलवेयर हैं वो भी यूज करना है, इसके साथ साथ मेरे को सागा भी यूज करना है। ऑलराइट, तो मेरे को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा रिडक्स टूलकिट से समथिंग एंड समथिंग का नाम है गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर्स, क्योंकि मेरे को मिडलवेयर्स जो डिफॉल्ट यू नो मिडलवेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स रिडक्स टूलकिट में प्रोवाइडेड है वो भी हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर एंड पैरेंथेसिस। सो आप लोग देख रहे हो रिटर्न्स एन एरे ऑफ कंटेनिंग डिफॉल्ट मिडलवेयर्स। ऑलराइट, तो एरे रिटर्न करता है तो हम लोग स्प्रेड करेंगे इसको डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे थंक यूज करना है।
वो थंक बोल रहा हूँ, सागा यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सागा, सागा मिडलवेयर, ये रहा, यहाँ पे जो मैंने इनिशियलाइज किया वो पास कर दूंगा लाइक सो। उसके बाद हम लोग को एक लास्ट स्टेप करना है, दैट इज सागा मिडलवेयर डॉट रन, एंड इसके अंदर माय सागा पास करना है। ऑल राइट, सो स्टोर के नीचे पे यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड लिखना है, बट अगेन हम लोगों ने ये माया सागा बनाया नहीं हुआ है, तो अभी इस लाइन को कमेंट आउट करो। ऑल राइट, ओके, यस, तो अब हम लोग बनाएंगे सागा। सो अगेन मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, npm start, ऑल राइट, एंड या सो अब हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, इन सबको क्लोज कर दो, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर को मैं नाम दूंगा sags सागास, एंड इसके अंदर हम लोग पहला फाइल बनाएंगे दैट इज, अरे इसको क्लोज कर दो, ऑलराइट, सो कहाँ गया, इस सागा के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे दैट इज यूजर सागा डॉट जेएस लाइक सो। ऑलराइट, सो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे सागा को यूज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे एकदम बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम लोग इस कोड को चेंज करेंगे, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड करता क्या है एक्चुअली में। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। ऑल राइट, इतना कोड पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से कुछ कुछ लाइन ऑफ कोड हम लोग हटाएंगे, जैसे कि ये एंड ये सब एक्स्ट्रा कमेंट्स हटाएंगे। ऑल राइट एंड या सो देखो, हाँ सो सबसे पहले तो ये होता है हमारा एक वॉचर। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये जो रिडक्स सागा है, ये कॉन्सेप्ट यूज करता है जनरेटर्स का। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ये एक नॉर्मल फंक्शंस नहीं होते हैं, ये होते हैं जनरेटर फंक्शंस। लेकिन आप लोग को देख के ऐसा लग रहा होगा कि यस, ये तो सिंटेक्स थोड़ा स्ट्रेंज है, फंक्शन के बाद यहाँ पे स्टार लगा हुआ है एंड स्टेटमेंट्स के आगे यील्ड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट इस तरीके से जो फंक्शंस हम लोग बनाते हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ होता है और यील्ड लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर फंक्शन। अब ये जो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, मैंने रिडक्स सागा के अलावा और कहीं यूज होते हुए नहीं देखा है, ये रिडक्स सागा में ही मोस्टली यूज होता है। तो थोड़ा सा ये इनिशियली समझना थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन हम लोग बहुत सारा कोड लिखेंगे एंड इस वीडियो के एंड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यील्ड यूज करना है। ऑलराइट, ये यील्ड कीवर्ड यूज करना है। ओके, सो ये जो है ये है हमारा वॉचर या सागा आप लोग बोल सकते हो, एंड ये है हमारा वर्कर सागा। तो दोनों के दोनों ही जनरेटर फंक्शंस हैं। ओके, अब जनरेटर फंक्शन यूज क्यों करते हैं हम लोग ऑन द फर्स्ट प्लेस, या रिडक्स सागा जनरेटर फंक्शन यूज क्यों करता है। तो देखो, रिडक्स सागा क्या करता है, फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को पॉज एंड रिज्यूम करता है। तो फंक्शन के एग्जीक्यूशन पॉज एंड रिज्यूम तभी कर पाएगा जब वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शंस नहीं होंगे, वो जनरेटर फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन ऑफ कोड, तो रिडक्स सागा क्या करेगा, इस लाइन ऑफ कोड को इस फंक्शन को पॉज करेगा। तो इस फंक्शन को पॉज इसलिए करेगा क्योंकि ये जब तक लाइन ऑफ कोड कंप्लीट नहीं होता तब तक इस फंक्शन को पॉज कर देगा, तो इसलिए इसके आगे यील्ड लगाया हुआ है। ऑलराइट, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐप डॉट जेएस में सबसे पहले नहीं प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग अपडेट नेम। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे यूजर सागा में, हम लोग यहाँ पे टेक एवरी एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कहाँ गया, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंट्रोल वी। ऑल राइट, सो अब ये है हमारा वॉचर, अब ये वॉच कर रहा है, अब ये इंसान क्या कर रहा है, हमारे एप्लीकेशन में बैठा है एंड वॉच कर रहा है कब हम लोग ये अपडेट नेम एक्शन डिस्पैच करेंगे। यस, जैसे ही हम लोग अपडेट नेम एक्शन डिस्पैच करेंगे तो ये यूजर फेच यूजर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑल राइट, सो रिडक्स सागा क्या करता है, जब तक ये लाइन ऑफ कोड कंप्लीट नहीं होता तब तक इस फंक्शन को पॉज कर देता है, तो इसलिए हम लोग को इसके आगे यील्ड लगाना पड़ रहा है, एंड इसके लिए यील्ड हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब ये फंक्शन एक जनरेटर फंक्शन होगा। तो इनिशियली ये थोड़ा आप लोग को सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट वीडियो के एंड में आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे कहाँ पे यूज करना है यील्ड एंड ये जनरेटर फंक्शन के बारे में आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। तो एक तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस यील्ड को अवेट की तरह कंसिडर कर सकते हो, ये जो हमारा वाई आई यील्ड है इसको अवेट की तरह कंसिडर कर सकते हो। अवेट, यस, अवेट की तरह ये काम करता है।
सो या अगेन आप लोग को पता चल जाएगा, अभी हम लोग लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। सो ये है, हम लोगों ने हमारा बना लिया वॉचर, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे हमारा वर्कर सागा। सो वर्कर सागा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मे बी इसको नाम देंगे फेच यूजर, ठीक है। यहाँ पे एक्शन रिसीव हो रहा है, हम लोग कुछ भी एक्शन यहाँ पे, अच्छा एक्शन से हम लोग को मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ऑल राइट, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। हम लोग एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट, एंड इसमें मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स से गेट यूजर नेम, ऑल राइट। एंड ये होगा एक एसिंक फंक्शन, तो इसके आगे मैं एसिंक लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अवेट यूज करना है इसके अंदर। तो हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे फेच, एंड ऑल राइट। सो हम लोग को नेम अपडेट करना है ना, सो हम लोग यूज करेंगे फेक, यस ये जेसन प्लेस होल्डर। सो ये एक फेक रेस्ट एपीआई है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं यूजर्स में, एंड यहाँ पे ये कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, एंड कहाँ गया, ये रहा कंट्रोल वी, लाइक सो। So, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे, एंड हम लोग को हमारा जो नेम है वो अपडेट करना है इससे, ये जो है यहाँ पे लिनीग्राम देख रहा है, इससे अपडेट करना है, ऑलराइट। तो ये बेसिकली एरे है, एरे का हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, एंड देन उसके बाद उस एलिमेंट से हम लोग को नेम एक्सेस करना है। अच्छा सो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो हम लोग अवेट लगाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा उसको हम लोग रेस्ट में रख देते हैं, एंड आप लोग जानते हो इस रेस्ट को हम लोग को जेसन में पार्स करना पड़ता है, एंड अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो तब तक हम लोग अवेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली इसको मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट में, एंड यहाँ से मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवा लेता हूँ रिटर्न रिजल्ट, एंड हम लोग को इसके रिजल्ट में से सिर्फ पहला एलिमेंट का नेम एक्सेस करना है। ऑलराइट, सो रिजल्ट एक एरे, इसमें से हम लोग पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, उसका नेम एक्सेस करना है, लाइक सो। सो ये हो गया। अब क्या हो रहा है हमारा एप्लीकेशन में, ये है वॉचर, ये वॉच कर रहा है कब हम लोग एक्शन डिस्पैच करेंगे, जिसका टाइप होगा अपडेट नेम। जैसे ही डिस्पैच करेंगे ये वॉचर उसको पकड़ लेगा, एंड ये फेच यूजर को कॉल कर लेगा। एंड फेच यूजर में अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राई कैच डला हुआ है बेसिक एरर हैंडलिंग के लिए। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग डालते हैं जनरेटर फंक्शंस के अंदर, उसको हम लोग यूजुअली यील्ड लगाते ही हैं, ये एक तरीके से आप लोग सिंटेक्स की तरह समझ लो। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस गेट यूजर नेम को कॉल करेंगे, लाइक सो गेट यूजर नेम लाइक दिस। बट होल्ड ऑन, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, रेस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग इसका रिजल्ट डायरेक्टली ऐसे स्टोर नहीं कर सकते कॉन्स्ट यूजर नेम लाइक सो, तो हम लोग अवेट लगाना पड़ेगा। बट मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग एक जनरेटर फंक्शन के अंदर है, एंड ये यील्ड अवेट की तरह ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे अवेट लिखने के जगह यहाँ पे हम लोग यील्ड लिख सकते हैं, YIELD, ऑल राइट यस। तो ये फंक्शन रेस्पॉन्स देने में, ओके सो अब मैं आप लोग को सिंटेक्स समझाता हूँ, अब समझो। तो इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाए, जब तक ये फंक्शन रेस्पॉन्स नहीं देता तब तक इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यील्ड लगाया है, क्योंकि इसको रेस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा, इसको रेस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो, थोड़ा डिले हो सकता है इसको, तो तब तक हम लोग को इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यील्ड लगा रहे हैं, ऑलराइट। तो आप लोग को अब दिख रहा है कि ये यील्ड अवेट की तरह ही काम कर रहा है, ऑलराइट यस। एंड देन फाइनली ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो हम लोग रख रहे हैं कॉन्स्ट यूजर नेम में, एंड देन अब हम लोग ने नेटवर्क रिक्वेस्ट कर ली है। अब फाइनली मैं यहाँ से डिस्पैच कर सकता हूँ, जो भी हमारे पास ये रिजल्ट है वो डिस्पैच कर सकता हूँ, एंड वो जाएगा हमारे रिड्यूसर के पास, एंड देन स्टेट अपडेट होगा। अगेन अब डिस्पैच करना है हम लोग को। अच्छा, डिस्पैच करने से एक पहले एक चीज मैं बता दूँ, फंक्शंस को हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है छोड़ो, सबसे पहले मैं डिस्पैच का बता देता हूँ, उसके बाद इस सिंटेक्स पे आते हैं, ओके। सो अब हम लोग को डिस्पैच करना है, तो जब कभी भी हम लोग जनरेटर फंक्शंस के अंदर होंगे, सागास वाली फाइल्स के अंदर होंगे, तो हमारे पास डिस्पैच का एक्सेस नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा पुट। तो अगर हम लोग को डिस्पैच करना है एक्शन सागास के अंदर से, तो हम लोग यूज करेंगे पुट, बट जो भी स्टेटमेंट्स होगा उसको
आगे हम लोग लगाएंगे यील्ड। ओके, सो एक तरीके से सिंटैक्स है, जब कभी हम लोग डिस्पैच करते हैं तो उसके आगे हम लोग यील्ड लगाएंगे। ऑल राइट, एंड देन हम लोग यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, तो मैं पुट का यूज करूंगा, पुट, एंड इसके अंदर मैं डिस्पैच करूंगा एक्शन। ऑल राइट, तो ये डिस्पैच की तरह ही है, बट अगर हम लोग इस सागास वाली फाइल के अंदर हैं और उसके अंदर से हम लोग को डिस्पैच करना है, तो हम लोग डिस्पैच या यूज डिस्पैच हुक नहीं यूज करेंगे, इंस्टेड पुट यूज करेंगे। तो पुट हम लोग कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, रीडर सागा स्लैश इफेक्ट से पुट इम्पोर्ट करेंगे, एंड पुट में हम लोग फाइनली एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इस एक्शन में क्या होता है, टाइप होता है, एंड टाइप हम लोग को इस बार कुछ अलग टाइप देना है, ये अपडेट नेम टाइप नहीं देना है, है ना, कुछ अलग नाम देना है। कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे लेट्स से हम लोग नाम देते हैं अपडेट नेम SUSUCCE सक्सेस, एंड पेलोड PAYLOAD पेलोड, एंड द पेलोड विल बी इक्वल टू लेट्स से यूजर नेम लाइक सो। ये फंक्शन मतलब जो रिटर्न कर रहा है हम लोग को वो होगा हमारे पेलोड की वैल्यू। ऑलराइट, एंड एरर के लिए मैं इतना ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग लिखता हूँ, अगर इस लाइन ऑफ कोड में कुछ एरर होगा तो वो एरर लॉग हो जाएगा। ऑलराइट, तो लेट्स सेव दिस, एंड अब इस टाइप, अब ये जो है एक्शन, अब ये जाएगा रिड्यूसर के पास, तो रिड्यूसर में हम लोग को लॉजिक लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एक्शन टाइप के लिए हम लोग क्या करें। तो अब हम लोग आते हैं रिड्यूसर के पास, एंड अगर यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम लोग एक्शन का टाइप अगर होगा अपडेट नेम सक्सेस, देन हम लोग स्टेट अपडेट करेंगे और जो भी एक्शन के पेलोड में होगा। ऑलराइट, तो पेलोड में है, अब हमारे पास है ये यूजर नेम जो हम लोगों ने ऑनलाइन फेच किया हुआ है लाइक सो। ओके, सो ये रहा हमारा प्रोफाइल। अब यहाँ पे पेलोड देने की हम लोग को जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं टाइप अपडेट नेम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्शन डिस्पैच करें जिसमें टाइप अपडेट नेम, एंड देन ये एक्शन क्या कर रहा है, ये वॉचर ये एक्शन को पकड़ रहा है, एंड पकड़ के इस फेच यूजर फंक्शन को कॉल कर रहा है। ऑलराइट, एंड इस फंक्शन में अगेन हम लोगों ने इसको कॉल एक नेटवर्क रिक्वेस्ट की हुई है, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करना है, इसलिए यहाँ पे यील्ड लगाया हुआ है, एंड देन फाइनली जो रिजल्ट आएगा इस फंक्शन का वो हम लोग रखेंगे इस यूजर नेम में, एंड देन अगेन हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, जब कभी डिस्पैच करते हैं पुट का यूज करके उसके आगे हम लोग को यील्ड लगाना पड़ता है। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। सब फाइल को सेव करो, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सेव दिस एज वेल, एंड राइट, एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड यहाँ पे अगर इनिशियली स्टेट देखो तो ये है, अगर मैं अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे ये अपडेट नेम। ऑल राइट, ओके ओके, एक और एक्स्ट्रा स्टेप, अगेन मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे हम लोग को ये स्टेप करना पड़ता है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय सागा, एक्चुअली यू नो व्हाट, माय सागा इसको नाम नहीं देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे यूजर सागा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यूजर सागा, एंड इसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे, सो इम्पोर्ट यूजर सागा एस ए जे सागा फ्रॉम डॉट स्लैश सागा स्लैश यूजर सागा, एंड यहाँ पे यूजर सागा को यहाँ पे हम लोग इसके अंदर, अब इसको अनकमेंट करो, इसके अंदर पास कर देंगे कंट्रोल वी लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस एंड लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट, तो अब अगर हम लोग अपडेट नेम पे क्लिक करें सो अब आप लोगों को दिख रहा है ये ऑनलाइन फेच हुआ एंड यहाँ पे लिनीग्राम आ रहा है। अच्छा, इंस्टेड यू नो जीरो, यहाँ पे जीरो एलिमेंट एक्सेस करने से अच्छा है कि कोई भी रैंडमली एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये 10 यूजर्स रिटर्न करता है तो मैं कोई भी यू नो रैंडम पिक कर सकता हूँ नेम। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यस जावास्क्रिप्ट का, आप लोग रैंडम जानते हो, इसको यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं रिटर्न रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 10। ऑल राइट, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हम लोग 0 लिखने की जगह ये लिख लेते हैं कंट्रोल वी लाइक सो। ऑल राइट, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड अगर मैं अपडेट नेम पे क्लिक करूँ तो हर बार ही कुछ अलग नेम यू नो हम लोग को मिलेगा। ऑल राइट, ओके, सो दैट्स वर्किंग एंड या ओके। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे यूज किया है टेक एवरी, मतलब हम लोग यहाँ से जितने भी एक्शन डिस्पैच करेंगे है ना, इस सारे के सारे एक्शंस को ये वॉचर जो है, ये हमारा सागा जो है पकड़ेगा, एंड हर एक
एक्शन के लिए फेच यूजर कॉल होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोग को अगेन फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक्शन में, मैं अपडेट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्शन डिस्पैच हुआ हमारा। सबसे पहले अपडेट नेम डिस्पैच हुआ, ठीक है, अपडेट नेम को वॉचर ने पकड़ा एंड वॉचर ने फंक्शन को कॉल किया एंड फंक्शन में नेटवर्क रिक्वेस्ट हुई एंड देन अगेन अपडेट नेम सक्सेस डिस्पैच हुआ एंड स्टेट अपडेट हुआ। फिर से करता हूँ, तो जितने बार करेंगे उतने बार ये चीज होगी, ठीक है, उतने बार अपडेट नेम भी डिस्पैच हो रहा है, अपडेट नेम सक्सेस भी डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेक एवरी के जगह, मतलब जितने मैं एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ सारे के सारे एक्शन को पकड़ रहा है एंड फेच यूजर को कॉल कर रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेक लेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं टेक टेक लेटेस्ट, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ऑलराइट, अब टेक लेटेस्ट थोड़ा अलग है, अरे एक्सीडेंटली मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लिक कर दिया, ओके ठीक है। या सो अब देखो, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकूँ या थोड़ा जूम आउट कर सकूँ तो अरे ओके यस। अब अगर मैं अपडेट नेम पे दो तीन बार क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो अपडेट नेम को हमारे वॉचर ने पकड़ा बट लास्ट वाले को पकड़ा, इन सबको नहीं पकड़ा, इन सबको डिस्कार्ड कर दिया। जब हम लोगों ने लास्ट बारी जब इस बटन पे क्लिक किया ना, उसी के लिए ये सिर्फ फंक्शन चला, उसी के लिए ये जो हमारे सागा के अंदर ये जो फंक्शन है ये सिर्फ लास्ट वाला जब हम लोगों ने एक्शन डिस्पैच किया उसी के लिए इसने चलाया। तो सारे एक्शंस जब हम लोग डिस्पैच करें सारे एक्शंस के लिए फंक्शन नहीं चलाया, सिर्फ जब हम लोगों ने लास्ट वाला जब एक्शन डिस्पैच किया उसी के लिए चलाया, तो इसके प्रीवियस वाले एक्शंस को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। इतने तीन, ये जो एक दो तीन है इनको डिस्कार्ड करते हैं, जब हम लोगों ने लास्ट वाली जब एक्शन डिस्पैच किया उसी के लिए इसने इस फेच यूजर फंक्शन को कॉल किया। ऑलराइट, तो अननेसेसरी के नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट यस, सो अगेन एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे दो तीन बार क्लिक करूँ, एक दो तीन, तो सारे एक्शन टाइप के लिए नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ जब हम लोग लास्ट बारी जब क्लिक कर रहे हैं ना उसी के लिए नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही है एंड हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है। यस, तो यहाँ पे टेक एवरी की जगह हम लोग टेक लेटेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि अब हम लोग को लेट्स से एज भी अपडेट करनी है। ऑलराइट, तो अब हम लोग को यहाँ से हम लोग डिस्पैच करेंगे प्रोफाइल से एज अपडेट करने के लिए भी। ऑलराइट, तो मैं इसको करता हूँ आर्ट शिफ्ट डाउन की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट एज। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप में लेट्स से लिखते हैं अपडेट एज लाइक सो, एंड हम लोग आएंगे इस यूजर सागा में। अब हम लोग यहाँ पे इस अपडेट एज के लिए भी लिसन कर सकते हैं, तो अगेन हम लोग लगाएंगे यील्ड एंड यहाँ पे टेक एवरी या लेटेस्ट जो भी आप लोग यूज करना चाहो, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट एज। सो हम लोग अपडेट एज एक्शन टाइप के लिए लिसन करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट एक्शन अपडेट एज, एंड अपडेट एज अगर एक्शन डिस्पैच होता है तब उस केस में हम लोग कॉल करेंगे लेट्स से चेंज एज करके एक फंक्शन को, अगेन हम लोगों ने बनाया नहीं है ये अभी बनाते हैं, तो ये अगेन एक होगा जनरेटर फंक्शन। ऑलराइट, तो अब आप लोग जानते हो जनरेटर फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये फंक्शन एंड यहाँ पे एक स्टार लगा देते हैं एंड देन फंक्शन का नाम होगा चेंज एज। ऑलराइट, एंड इस फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके आगे यील्ड लगाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली डिस्पैच करेगा, तो अगेन डिस्पैच कर रहे हैं तो यील्ड हम लोग को लगाना पड़ेगा। डिस्पैच करने के लिए हम लोग अगेन सागास के अंदर हैं तो हम लोग पुट का यूज करते हैं, एंड डिस्पैच करेगा लेट्स से एक्शन एंड इसका टाइप होगा लेट्स से UPDAT अपडेट नेम SU सक्सेस, एंड यहाँ पे पेलोड में हम लोग लिख सकते हैं लेट्स से एज इनिशियली कितनी है 20 है, तो अब हम भी यहाँ पे लिख सकते हैं 30। ऑलराइट, बट देन ये इमीडिएटली हम लोग कर रहे हैं ना, इमीडिएटली नहीं करेंगे हम लोग, लेट्स से एज को थोड़ा डिले करेंगे, ये जो है हमारा स्टेट इतना इमीडिएटली अपडेट नहीं होगा, थोड़ा डिले होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती डिले करने के लिए हम लोग डिले
ये यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम लोग को डिले करना है, लेट्स से 2 सेकेंड्स। यहाँ पे मैं डिले एंड यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेकेंड्स। तो हम लोग मिली सेकेंड्स पास करना होता है, तो इसलिए इन टू कर देंगे हम लोग उसको 1000 से, मतलब 2000 पास कर लेंगे, पास करना पड़ेगा 2 सेकेंड्स के लिए। ऑल राइट, बट देन हम लोग को यहाँ पे अगेन यील्ड लगाना पड़ेगा। मेरे को फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करना है जब तक ये लाइन ऑफ कोड कंप्लीट नहीं होता, तब तक मेरे को ये चलाना नहीं है। तो मेरे को फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाई आई ई यील्ड। यस, तो मेरे को ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करना है, तो इसके लिए मैं यील्ड लगा रहा हूँ। जब फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा डिले, देन ये डिस्पैच होगा। ऑल राइट, एंड जब कभी भी डिस्पैच करते हैं तो पुट का यूज करके, तो हम लोग को उसके आगे भी यील्ड लगाना पड़ता है। तो एक तरीके से सिंटैक्स अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यील्ड कहाँ पे लगता है, कि हर एक स्टेटमेंट्स के आगे यील्ड लग ही रहा है, आप लोग देख रहे हो। ऑल राइट, यस। एंड जब कभी हम लोग फंक्शंस का रिजल्ट कहीं में स्टोर करना होता है, तो अगेन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया। ओके ठीक है, बताता हूँ इसको करने के बाद बताता हूँ। यस, तो अगर अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अगर अब मैं अपडेट एज पे क्लिक करूँ, ओके इसके लिए हम लोग को रिड्यूसर भी तो बनाना पड़ेगा इस एक्शन टाइप के लिए, कंट्रोल सी। एंड यहाँ पे हम लोग इस बार इसको आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, मैं आल्ट शिफ्ट डाउन की। एंड अगर एक्शन का टाइप होगा अपडेट नेम सक्सेस, तो अगेन हम लोग स्टेट में से इस बारी एज चेंज करेंगे एंड जो भी एक्शन के पेलोड में है, लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड नाउ रिफ्रेश करते हैं। ओके कैन नॉट बी अपडेट, ओके अपडेट नेम सक्सेस नहीं यहाँ पे। ऑल राइट, अपडेट नेम सक्सेस नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट एज सक्सेस। यस, कंट्रोल सी एंड लेट्स सेव दिस, कंट्रोल वी, अपडेट एज सक्सेस। ऑल राइट, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करें अपडेट एज पे, तो इनिशियली है 20 एंड यहाँ पे हो गया 32 सेकेंड डिले हुआ, एंड देन उसके बाद अपडेट हुआ, इमीडिएटली हम लोगों ने अपडेट एज नहीं किया। ऑल राइट, ताकि लगे कि कुछ एसिंक्रोनस हम लोगों ने काम किया, इसलिए मैंने 2 सेकंड जबरदस्ती डिले किया। यस, अच्छा तो ये था बेसिक्स रिडक्स सागा के बारे में। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा था, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया, इसके अलावा हम लोग ये कॉल इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोग इस तरीके से फंक्शन कॉल करने की जगह हम लोग यहाँ पे इस कॉल का भी यूज कर सकते हैं। कॉल एंड कॉल करेंगे तो हम लोग को ये पैरेंथेसिस नहीं पास करने पड़ेंगे, ये पैरेंथेसिस हटा दो बस, लाइक सो। एंड अगेन इस फंक्शन को अगर कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं, तो हम लोग वो यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं तो इस फंक्शन को। बट हम लोग को इसको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देने हैं, तो हम लोग पास नहीं करेंगे सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, सो अगर आप लोग इस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉमा देके वो पास कर सकते हो, बट हम लोग कुछ इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। यस, तो इस कॉल फंक्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शंस कॉल करने के लिए। तो मैंने देखा है डेवलपर्स लोग ये कॉल का भी यूज करते हैं, या इसके पहले जैसे हम लोगों ने लिखा था वो भी, दैट इज ऑल्सो फाइन, वैसा भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इस एग्जाम्पल में इसने कॉल का यूज किया हुआ है, जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था, कॉल एंड देन फंक्शन कॉल किया था, एंड उस फंक्शन को ये आर्ग्यूमेंट पास किया था। ऐसा भी कर सकते हो, या इसके पहले जैसे लिखा था वैसा भी कर सकते हो, ईदर ऑफ द वे इज फाइन। ओके हाँ, सो ये हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। एज अपडेट हो रही है सिंक्रोनसली एंड हमारा नेम भी अपडेट हो रहा है। ऑल राइट, ओके अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने टेक एवरी एंड टेक लेटेस्ट भी देखा। ओके अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि हमारे एप्लीकेशन में एक से ज्यादा सागास हो। देखो अलग अलग फीचर के लिए अलग अलग सागास हम लोग बना सकते। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है यूजर सागा, हम लोग एक और फाइल बनाएंगे, लेट्स से जोक सागा डॉट जे एस, लाइक सो। तो हम लोग हमारे एप्लीकेशन में एक और फीचर डालते हैं, लेट्स से ऑनलाइन जोक फेच होगा, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन जोक भी शो करेगा, जोक शो करेगा, ठीक है। सो ये एक अलग फीचर है हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अलग अलग फीचर्स के लिए हम लोग अलग अलग सागस बना सकते हैं। तो जो यहाँ पे कोड है, मैं थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ, इतना पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे ये एज वाला हटा दो लाइन ऑफ कोड, एज एंड यहाँ पे चेंज एज हटा दो, एंड
हटा दो एंड यहाँ पे ओके ये सब रहने दो। अगेन ये हम लोग चेंज करेंगे ठीक है। यस एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे यूजर सागा की जगह पे हम लोग लिखेंगे जोक सागा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जोक सागा लाइक सो। हाँ तो देखो जोक फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई जोक एपीआई का, लेट्स से जोक एपीआई। यस एंड हम लोग के पास एक एपीआई है ओके ये वाला चंक नॉरिस वाला एपीआई। एंड यहाँ पे हम लोग इस पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यस ओके सो इससे हम लोग को कोई भी एक रैंडम जोक मिलेगा। कंट्रोल सी एंड ओके ये रेस्पॉन्स हम लोग को कुछ इस टाइप का मिलता है। अगेन देखना पड़ेगा किस टाइप का रेस्पॉन्स है। हाँ सो टेक एवरी एंड यहाँ पे हम लोग डिस्पैच करेंगे लेट्स से गेट अंडरस्कोर जोक। अगेन हम लोगों ने डिस्पैच किया नहीं है बट एक्शन का टाइप देंगे गेट जोक एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे लेट्स से गेट जोक फंक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग गेट जोक फंक्शन बना लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी गेट जोक। ऑल राइट एंड गेट जोक में हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से फेच फेच जोक। ओके एंड यहाँ पे हम लोग ये लिखने की जगह हम लोग यहाँ पे ये अरे यहाँ पे हम लोग ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी एंड फाइनली ओके। अभी के लिए मैं क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग करूँगा देखने के लिए किस टाइप का डेटा है इसमें, मतलब किस फॉर्मेट में डेटा है। कंसोल डॉट लॉग आरई एज रिजल्ट लाइक सो एंड लाइक या ओके ठीक है। एंड ये लॉजिक अभी कमेंट आउट कर दो। हम लोग यहाँ पे फेच जोक को कॉल करेंगे ओके सो लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे गेट जोक कॉपी करो। एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे सबसे पहले रिलेटेड इस यूजर ड्यूसर में इनिशियली हम लोग जोक करके एक की डाल देते हैं जो कि होगा एम्प्टी एंड इस प्रोफाइल में। और यहाँ पे हम लोग इस बारी यहाँ से रिस्ट्रक्चर करेंगे जोक एंड यहाँ पे हम लोग लेट्स से एच फोर डाल लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग शो करेंगे जोक ओके। हाँ एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे आल्ट शिफ्ट डाउन की कर लेता हूँ मैं आल्ट शिफ्ट डाउन की एंड ऑन क्लिक पे हम लोग यहाँ पे इस बारी लिखेंगे यहाँ पे नाम देंगे इस बटन को लेट्स से फेच जोक एंड अपडेट करेंगे हम लोग। अपडेट नहीं एक्चुअली एक्शन का टाइप होगा गेट जोक ओके। सो हम लोग इस बटन क्लिक पे इस एक्शन को डिस्पैच करें जिसका टाइप है गेट जोक। तो ये गेट जोक क्या करेगा हमारा वॉचर जो है ये जोक सागा ये हमारा वॉचर इसको पकड़ लेगा इस एक्शन टाइप को एंड हम लोगों ने टेक लेटेस्ट यूज किया है ओके दैट इज कम्प्लीटली फाइन। टेक एवरी भी यूज कर सकते हैं। तो इस गेट जोक एक्शन टाइप को पकड़ लेगा एंड उसके लिए गेट जोक फंक्शन को कॉल कर देगा एंड गेट जोक इस फेच जोक को कॉल कर रहा है। ऑलराइट एंड इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया हुआ है ओके। नाउ यू सी हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन में दो सागास बनाए हुए हैं। ऑलराइट दो सागास बनाए हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ ये दोनों दोनों सागास पैरेलली चलें। ऑलराइट तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊंगा इसको मैं नाम दूंगा रूट सागा सागा डॉट जेएस लाइक सो। ऑलराइट एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा एक फंक्शन। उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड नो इसको वॉचर फंक्शन बनाना पड़ेगा अगेन फंक्शन अरे नॉट लाइक दिस एफएस फंक्शन स्टार मतलब जनरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से रूट सागा। ऑल राइट लाइक दिस ओके। अब हम लोग को यहाँ पे अगेन हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स डालते हैं उसके आगे हम लोग को यील्ड लगाना पड़ता है एंड हम लोग को यहाँ पे एक और यू नो इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये लाइन ऑफ कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड इतना सब हम लोग को नहीं चाहिए इस बार। हम लोग को चाहिए ऑल करके एक हमारे पास फंक्शन होता है ऑल ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑल लिखेंगे एंड इस ऑल में हम लोग को पास करना होता है एरे। ऑलराइट सो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं दोनों सागास जो हम लोगों ने
बनाए हैं। सो हम लोग इंपोर्ट करेंगे जोक सागा सागा फ्रॉम डॉट स्लैश जोक सागा, आई शिप डाउन की हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूजर सागा फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर सागा। तो मेरे को एक बार देख लेने दो, जोक सागा मैंने एक्सपोर्ट किया है ना। यस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। ऑल राइट ऑल राइट। एंड यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये जोक सागा को कॉल कर देना है एंड अगेन कॉमा दे के यूजर सागा को कॉल कर देना है। ओके सो मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ या मैं कॉल का यहाँ से कॉल इंपोर्ट कर सकता हूँ कॉल, एंड इस कॉल के अंदर ये पास कर सकता हूँ लाइक सो। इधर ऑफ द वे इज फाइन। ऑल राइट एंड यहाँ पे हम लोग कॉल का यूज कर सकते हैं लाइक सो। ऑल राइट ओके यस। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों सागास जो हैं पैरेलल ही चलेंगे। ऑल राइट तो उसके लिए हम लोग इस ऑल का यूज कर सकते हैं, ऑल फंक्शन का यूज कर सकते हैं इस रिडक्स सागा इफेक्ट्स में से। एंड इसके अंदर हम लोग एक एरे पास करनी है, उसके अंदर हम लोग हमारे सागास पास कर सकते हैं। अब फाइनली इसको मैं यहाँ पे करूंगा इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड रूट सागा। एंड यहाँ पे इस बार हम लोग आएंगे इंडेक्स में एंड यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे हम लोग रूट सागा। सो इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से रूट सागा। एंड यहाँ पे सागास में से स्लैश रूट सागा एंड यहाँ पे जो रूट सागा है मैं इसको पास कर दूंगा लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। सो इनिशियली है हमारे स्टेट में रमेश एंड जोक एम्प्टी। अगर मैं फेच जोक पे क्लिक करता हूँ तो अगेन कंसोल में हम लोग को कुछ दिखना चाहिए। ऑल राइट तो कंसोल में हम लोग को देख रहे हैं। अगेन हम लोगों ने स्टेट अपडेट नहीं किया है क्योंकि मेरे को सबसे पहले देखना है किस टाइप का हम लोग को रेस्पॉन्स मिल रहा है। ऑल राइट तो इसमें है टाइप सक्सेस एंड वैल्यू वैल्यू के अंदर है जोक। ऑल राइट ओके ठीक है। ओके सो हम लोग को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से वैल्यू एक्सेस करना है एंड देन वैल्यू में से जोक एक्सेस करना है। ऑल राइट ओके सो हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं जोक्स आगा में एंड यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रिटर्न रिजल्ट रिजल्ट। एंड रिजल्ट में है फर्दर वैल्यू वैल्यू एंड वैल्यू में है जोक। ऑल राइट एक बार फिर से देख लेते हैं रिजल्ट में वैल्यू एंड वैल्यू में है फर्दर जोक। ऑल राइट ओके दिस दिस विल वर्क। एंड अगेन अब हम लोग को यहाँ पे ये फंक्शन रिस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा, तब तक हम लोग इसको यील्ड कर लेते हैं वाई आई एल डी। देखो अब आप लोग कंफर्टेबल हो है ना यील्ड कहाँ कहाँ पे यूज करना है। वैसे तो हर जनरेटर फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर यील्ड यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब ये एक सिंटेक्स ही आप लोग समझ लो। एंड देन इसका जो रिजल्ट है वो मैं लग देता हूँ जैसे जोक करके एक कॉन्स्टेंट में। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्पैच करेंगे तो उसके लिए अगेन डिस्पैच करेंगे तो उसके लिए पुट यूज करेंगे एंड पुट यूज करते हैं तो उसके आगे भी हील्ड लगाना ही पड़ता है पुट। एंड देन फाइनली हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं जोक एक्शन एंड इसका टाइप होगा ओके सो टाइप देना पड़ेगा। टाइप होगा जोक सक्सेस एंड यहाँ पे पे लोड में हम लोग पास कर देंगे जो भी जोक इसमें है। ऑल राइट ये सब हटा दो। ओके सो लाइक या दिस दिस विल वर्क। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, फंक्शन गेट जोक यील्ड आई एम नॉट श्योर ये क्या एरर है। ओ वाओ यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट भूल गए। ऑल राइट ओके लेट्स सेव दिस एंड या सो अब अगर यहाँ पे हम लोग आए रिडक्स में स्टेट में एंड यहाँ पे अगर मैं फेच जोक पे क्लिक करता हूँ तो अच्छा ओके जोक सक्सेस के लिए हम लोग को वो बनाना भी पड़ेगा रिड्यूसर में, इसको हैंडल भी करना पड़ेगा। ऑल राइट सो कहाँ है हमारा रिड्यूसर, ये रहा। अगेन इसको करते हैं आल्ट शिफ्ट डाउन की। अगर टाइप होगा एक्शन का जोक सक्सेस देन हम लोग स्टेट में जो जोक है उसको अपडेट करेंगे जोक एंड जो भी पेलोड में है। ऑल राइट तो अगेन हम लोग रिड्यूसर बनाने के लिए क्रिएट रिड्यूसर का यूज कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसमें
एक्सप्लेन किया हुआ है क्रिएट रिड्यूसर के बारे में, बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम लोग को रिड्यूसर बनाना होता है तो हम लोग डायरेक्टली स्टेट अपडेट कर पाते हैं, हम लोग को यू नो स्विच या इफ एल्स यूज नहीं करना पड़ता। उसके अलावा हम लोग को एक कॉपी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम लोग स्टेट अपडेट कर पाते हैं। यस, तो ये रिडक्स सागा से रिलेटेड नहीं है ये चीज, ये चीज रिलेटेड है रिडक्स टूलकिट से। ओके, मैं एक सेकेंड में एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग क्रिएट स्लाइस के साथ कैसे यूज कर सकते हो सागा सागा को। ओके, सो वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट देन लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। वेज जॉब पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, जॉन डो प्रोग्राम ऑक्यूपाई 150% ऑफ सीपी इवन वेन दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग। ऑल राइट, सो ये बहुत ही बढ़िया जॉक है, इसके ऊपर हंसो। ओके, सो अवर एप्लीकेशन इज वर्किंग। जो जो मैं चीजें करना चाहता था वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। ऑल राइट, सो ओके, सो यही है सागास। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट या आप लोग इसको प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, या मैं रिकमेंड करूंगा कि मत यूज करो क्योंकि ये लाइक ओवरकिल है। अगर कोई सी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सागा यूज हो रहा है, देन इन दैट केस आप लोग को यूज करना पड़ेगा। या अगर आपको कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो मैं रिकमेंड करता हूँ मत यूज करो रिडक्स सागा को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओवरकिल है। इसके अलावा आप लोग रिडक्स टूलकिट यूज करते हो तो एसिंक्रोनस एक्शन के लिए क्रिएट एसिंक थंक ही मैं रिकमेंड करूंगा, आपके अगर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं तो रिएक्ट के। बट कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसमें फिर आपकी नहीं चलती है। सो अगर उसमें रिडक्स सागा बोलते हैं लोग यूज करने के लिए, देन आपको वो यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये ट्यूटोरियल है। ओके, सो या ओके, सो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्रिएट स्लाइस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हम लोग क्रिएट रिड्यूसर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट स्लाइस। ऑलराइट, एंड अब हम लोग रिड्यूसर बनाएंगे क्रिएट स्लाइस का यूज करके। ओके, सो अब इसको कमेंट आउट करो एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर रिड्यूसर, अरे यूजर रिड्यूसर, एंड हम लोग यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस का एंड अगेन ऑब्जेक्ट, एंड इसमें हम लोग को पास करना होता है नेम, एंड नेम होगा लेट्स से माय ऐप। ठीक है, कुछ भी आप लोग यूनिक नाम दे सकते हो। यस, एंड इसमें हम लोग को देना पड़ता है इनिशियल स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल स्टेट। की वैल्यू दोनों सेम है तो हम लोग जस्ट इनिशियल स्टेट लिख सकते हैं लाइक सो। एंड अगेन इसके अंदर हम लोग को रिड्यूसर्स लिखने पड़ते हैं, तीन रिड्यूसर्स होंगे। ठीक है, सो या तीन रिड्यूसर्स होंगे। सबसे पहले पहला रिड्यूसर है नेम अपडेट करने के लिए, तो उसको मैं ले देता हूँ नाम लेट्स से अपडेट नेम। तो जो भी हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग नाम देते हैं इस रिड्यूसर्स के अंदर, वही हमारा एक्शन होता है ना। सो अपडेट नेम, एंड उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए हम लोग ये हमारा रिड्यूसर बना रहे हैं। इस अपडेट नेम एक्शन के लिए ये है हमारा रिड्यूसर। ऑल राइट, ओके, सो अगेन इस रिड्यूसर के पास एक्सेस होता है हमारे स्टेट का एंड एक्शन का। सो अब हम लोग यहाँ पे स्टेट डॉट लेट्स से मेरे को अपडेट करना नेम, तो जो भी है हमारे एक्शन डॉट पेलोड में। ऑलराइट, सिमिलरली मेरे को तीन बनाने हैं ऐसे ही तीन, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अल्ट डाउन की दो बार एंड यहाँ पे एक बारी अपडेट अपडेट एज के लिए और एक अपडेट जॉब के लिए जॉब के लिए एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट एज अपडेट करनी है एंड यहाँ पे स्टेट में से मेरे को जॉब अपडेट करना है लाइक सो। एंड इस बारी हम लोग को यहाँ पे रिड्यूसर यूजर यूजर डॉट रिड्यूसर लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर आप लोगों ने क्रिएट स्लाइस का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देख लो, नहीं तो ये सिंटैक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे एक्शंस को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट समथिंग, मैं कुछ डीस्ट्रक्चर करूंगा एंड डीस्ट्रक्चर करेंगे यूजर रिड्यूसर एंड इसमें हम लोग को डॉट एक्शंस प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है। देन यहाँ से मैं डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ अपडेट एज अपडेट जोक एंड अरे माई बैड अपडेट नेम लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे ओके, सो हम लोग आएंगे यूजर सागा में एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे
import something from dot slash, okay, एक डायरेक्ट पीछे जाना पड़ेगा, तो डॉट डॉट स्लैश रिड्यूसर स्लैश यूजर रिड्यूसर। ओके, अब यहाँ से मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे को अपडेट एज इम्पोर्ट करना है और अपडेट नेम इम्पोर्ट करना है ना। यस, तो इस फाइल में सिर्फ एज और नेम ही अपडेट हो रही है, जोक वाले में हम लोग को अपडेट जोक इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को जब डिस्पैच करने, तो अब हम लोग को ये एक्शन पास करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं नेम अपडेट कर रहा है ना, तो अपडेट नेम एंड इसके अंदर जो भी पास कर सकते हैं वो हम लोग एक्शन के पेलोड में रिसीव कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें पास करना है हम लोग को यूजर नेम लाइक सो, ऑलराइट। एंड एज अपडेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग ये ऑब्जेक्ट पास करने की जगह हम लोग लिख सकते हैं अपडेट एज, एंड जो भी हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं वो हम लोग बेसिकली पेलोड पास करते हैं इसके अंदर जो भी हम लोग। तो पेलोड होगा हमारा एज 20 थी, तो लेट्स से मेरे को 30 से अपडेट करनी, वही हमारा पेलोड होगा। ओके, सो इतना टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो रिफ्रेश करता हूँ मैं, अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ, सो अगेन इट्स वर्किंग, अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ, सो 2 सेकेंड बाद 30 अपडेट हुआ। कुछ और नाम देख के देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 40 लिखता हूँ तो ओके लेट्स से दिस एंड अपडेट एज एंड 40, ऑल राइट इट्स वर्किंग। लास्ट काम दैट इज जोक वाले में भी हम लोग ये इसका यूज कर लेते हैं सेक्शन का। सो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट समथिंग, अगेन यार कॉपी कर लेते हैं लाइन ऑफ कोड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम लोग इस बारी जोक अपडेट करेंगे, एंड यहाँ पे ये पास करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट, इंस्टेड हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपडेट जोक, एंड इस जोक के अंदर हम लोग ये जोक कॉन्स्टेंट में जो है वो पास कर देंगे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारा पेलोड है, तो पेलोड हमारा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जो भी पेलोड में है वो हमारे स्टेट के जोक में असाइन हो जा रहा है। ऑलराइट, यस लेट्स सेव दिस, एंड अगेन हम लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, मतलब ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ से हम लोग को अगेन एक्शन वही सेम ऑब्जेक्ट डिस्पैच करना है, एंड ये जो हमारे वॉचर्स हैं, ये जो हमारे सागास हैं उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सागास हैं उनको पकड़ रहे हैं, ये फंक्शंस चला रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन जब हम लोग फाइनल डिस्पैच करेंगे पुट का यूज करके, तब हम लोग को ये क्रिएट स्लाइस वाला वो यूज करना है, ये एक्शन डिस्पैच करना है। ऑलराइट, जो हम लोगों ने ये इस फाइल में बनाया हुआ है यूजर रिड्यूसर में। ओके, यस, सो या अगेन रिफ्रेश, फिर जोक पे मैं क्लिक करता हूँ, हो रहा है वंस दैट हैड अ नियर झोंडो एक्सपीरियंस। ऑलराइट, बहुत बेकार जोक्स हैं बट ठीक है, मतलब कुछ तो इंटरेक्टिविटी दिख रही है एप्लीकेशन में। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सो होपफुली आप लोग को रिडक्स सागा में अब कंफर्टेबल आप लोग हो गए होंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सिंटेक्स भी थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये जनरेटर फंक्शन चूज करता है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो बट हाँ, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट यू नो चीज़ें हैं वो पढ़ा ली, मतलब कॉल पोर्ट टेक एवरी टेक लेटेस्ट डिले, इसके अलावा मैंने आप लोग को मतलब एक से ज़्यादा सागास कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। दो सागास को हम लोग को पैरेलल ही चलाना है तो हम लोग ऑल का यूज़ कर सकते हैं, ऑल में हम लोग अरे पास कर सकते हैं। सो या लाइक दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन रिडक्स सागा। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।